अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को कवर कर लिया है। हमने सेक्शन 13 में मेंशन सभी ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स को डिटेल में समझा है। हमने ये जाना कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 अपने आप में फुल 8 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स के बारे में बात करता है, और ये जो 8 ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के, दीज ग्राउंड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ हस्बैंड एज वेल एज वाइफ। यानी इन ग्राउंड्स में से किसी एक या एक से अधिक ग्राउंड्स के बेसिस पर आइदर पार्टी में सीक डाइवोर्स पिटीशन बिफोर द कोर्ट। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए अपने आप में दो एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स की बात करता है, और सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 4 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स के बारे में बात करता है, विच आर अवेलेबल ओनली टू द वाइफ, जो कि केवल और केवल वाइफ को अवेलेबल है। तो इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी पॉइंट्स को हमने समझ लिया है। आज इस वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पेज नंबर 40 को डिस्कस करेंगे, जिसमें डाइवोर्स से जुड़े सभी लीडिंग केस लॉज दिए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेयर एक्ट का पेज नंबर 40 ओपन कर लो, ताकि हम इसे साथ साथ समझते चलेंगे। राइट, तो अमेंडमेंट इन डाइवोर्स पिटीशन, हम जानते हैं कि देर आर मैनी ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच डाइवोर्स पिटीशन मे बी प्रेजेंटेड, और उन्हीं ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड है डेजर्शन, विच मीन्स परित्याग। और ये जो डेजर्शन है, इफ वाइफ हैड डेजर्टेड हर हस्बैंड, तो जिस दिन हस्बैंड ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया, उस तारीख से पिछले 2 सालों से वाइफ ने उसे डिजर्ट कर दिया है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना उसके कंसेंट के। तो डिजर्शन इज अ ग्राउंड ऑफ सीकिंग डाइवोर्स। तो क्या कह रहे हैं, अमेंडमेंट इन डाइवोर्स पिटीशन। एन अमेंडमेंट कैन बी शॉट इन डाइवोर्स पिटीशन फॉर एडिंग एनी ग्राउंड्स ऑफ डेजर्शन ऑल्सो, संजय कुमार सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो संजय कुमार सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कोर्ट ने यह कहा कि अगर डेजर्शन को ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बनाया गया है, तो डाइवोर्स पिटीशन में कभी भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, और किसी रीजनेबल कॉज को मेंशन किया जा सकता है by the petitioner, which is the reason behind desertion, right? तो ये है पहला केस, संजीव कुमार सिन्हा versus state of UP, an amendment can be shot in divorce petition, divorce petition में आप amendment कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, और अगर desertion को आपने ground of divorce बनाया है, तो अगर आपको पता चलता है कि ये रीजन भी था जिसके वजह से वाइफ ने मेरा डेजर्शन कर दिया था, वाइफ ने मेरा परित्याग कर दिया था, तो उस डाइवोर्स पिटीशन में अमेंडमेंट करते हुए आप उस एडिशनल ग्राउंड को भी मेंशन कर सकते हैं, राइट? फिर क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड दैट पार्टीज have been residing separately for last so many years and there was no chance of compromise cannot be decided in absence of wife. Case hai hamare paas Kamal Gorai versus Srimati Menaka Gorai and another. So dissolution of marriage.
राइट। एक चीज ये भी है कि आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन तभी फाइल कर सकते हो जब आपके शादी को 1 साल या उससे अधिक का समय हो गया है और पिछले 1 या उससे अधिक सालों से आप एक दूसरे से अलग रह रहे हो। तो इस केस में कहा गया कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड दैट पार्टीज एक दूसरे से अलग रह रहे हैं पिछले कई वर्षों से और उनके बीच किसी प्रकार से अब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, किसी प्रकार से उनके बीच कोहैबिटेशन नहीं हो सकता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री वाइफ के एब्सेंस में पास नहीं किया जाएगा, राइट। आगे क्या है, डिग्री ऑफ डाइवोर्स, डिनाइल ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय वाइफ टू द हस्बैंड कॉन्स्टिट्यूट्स मेंटल टॉर्चर, हेंस द हस्बैंड इज एंटाइटल्ड टू डिग्री ऑफ डाइवोर्स। जसमिंदर सिंह वर्सेस श्रीमती प्रभ जिंदर कौर, इस केस में यह कहा गया कि इफ वाइफ इज नॉट गिविंग सेक्सुअल फेवर टू द हस्बैंड, वाइफ इज नॉट परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द हस्बैंड, देन इट विल बी कॉन्सिडर्ड एज क्रुएलिटी, इट विल बी कॉन्सिडर्ड एज मेंटल क्रुएलिटी अगेंस्ट हस्बैंड, और हस्बैंड इस ग्राउंड पर डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है, डिग्री ऑफ डाइवोर्स ले सकता है। आगे इसी केस में कहा गया कि वेयर द हस्बैंड हैज फाइल्ड पिटीशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, अगर हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का पिटीशन फाइल किया है अंडर सेक्शन 9 वैवाहिक अधिकारों के पुनः स्थापना के लिए, हस्बैंड ने अगर पिटीशन फाइल कर रखा है बिफोर द कोर्ट एंड द वाइफ कंटेस्टेड द सेम लेबलिंग काउंटर एलिगेशंस दैट सी वाज मल्ट्रीटेड बाय हस्बैंड एंड हिज मदर, और वाइफ हस्बैंड के ऊपर काउंटर एलिगेशंस लगाती है कि हस्बैंड का उसके प्रति जो व्यवहार था वो सही नहीं था, हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स ट्रीटेड हर maliciously. The plea taken by wife that she was willing to go back to matrimonial house would be fictitious and baseless, and the husband would be entitled to decree of divorce. तो बाद में अगर wife ये plea लेती है कि wife husband के साथ वापस जाना चाहती थी, वापस उसके साथ रहना चाहती थी, तो इसे fictitious, इसे बनावटी माना जाएगा, इसे बेसलेस माना जाएगा, और हस्बैंड एंटाइटल्ड होगा डिक्री ऑफ डाइवोर्स के लिए। क्यों? क्योंकि हस्बैंड हैज ऑलरेडी फाइल्ड पिटीशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो पिटीशन है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि हस्बैंड सभी बातों को भूलते हुए वाइफ को अपनाने के लिए तैयार है, राइट। फिर क्या है, एलिगेशंस ऑफ एडल्ट्री अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। श्रीमती प्रमोद बिजलवान वाइफ ऑफ श्री सत्येंद्र दत्त वर्सेस सत्येंद्र दत्त सन ऑफ श्री शिव दत्त, इस केस में यह कहा गया कि अगर वाइफ हस्बैंड पर बार बार जार कर्म के आरोप लगाती है, एडल्ट्री के एलिगेशंस लगाती है, हालांकि वो इन एलिगेशंस को प्रूफ नहीं कर पाती है, तो इसे ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स माना जाएगा, और हस्बैंड इस पर्टिकुलर एलिगेशन के बेसिस पर जिसे वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट प्रूफ नहीं किया है, वो इन एलिगेशन को सक्सेसफुली स्टेब्लिश नहीं कर पाई है, तो हस्बैंड इस ग्राउंड पर भी डिग्री ऑफ डाइवोर्स ले सकता है। आगे कह रहा है, लोक अदालत हैज गॉट नो ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द डाइवोर्स पिटीशन। लोक अदालत के कॉन्सेप्ट को मैंने एडीआर के वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप लोक अदालत के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को वहां से समझ सकते हो, राइट।
तो क्या कहा जा रहा है कि देखो लोक अदालत बेसिकली जो भी डाइवोर्स पिटिशंस होते हैं उन्हें डिसाइड नहीं कर सकती है। लोक अदालत का केवल इतना ही रूल है कि लोक अदालत पार्टीज के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती है रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ देयर मैरिज, और इन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज के सामने प्रेजेंट कर सकती है, और जो फाइनल डिक्री ऑफ डाइवोर्स होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज ही पास करेगा, ना कि लोक अदालत। तो लोक अदालत का जो जुरिस्डिक्शन है इन रिलेशन टू मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स वो इतना ही है कि लोक अदालत पार्टीज के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकता है, और इन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज के सामने प्रेजेंट करेगा, फाइनल डिक्री ऑफ डाइवोर्स डिस्ट्रिक्ट जज ही पास करेंगे। क्या कह रहा है आगे, एक्स पार्टी डिक्री ऑफ डाइवोर्स बेस्ड ऑन मेयरली एविडेंस ऑफ टू विटनेसेस एग्जामिन्ड बाय हस्बैंड एंड काउंसिल फॉर वाइफ प्लीडेड नो इंस्ट्रक्शंस इज लाइबल टू बी सेट असाइड। इन केस एक्स पार्टी डिक्री हैज बीन पास्ड बाय द कोर्ट, किस बेसिस पर, इस बेसिस पर कि हस्बैंड के काउंसिल ने वाइफ के तरफ से अपीयर होने वाले दो विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया है लेकिन वाइफ के काउंसिल ने कोई प्लीडिंग नहीं किया है, तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उस एक्स पार्टी डिक्री को कोर्ट सेट असाइड कर सकती है, राइट। आगे कहता है मेयरली प्रोसिक्यूशन ऑफ हस्बैंड अंडर सेक्शन 498A आईपीसी by wife does not amount cruelty but acquittal of husband and in-laws in such case and grant of maintenance to wife on her application are such circumstances as may lead to inference that she is not intended to lead a happy marital relation with husband, as such it will constitute a sufficient ground for decree of divorce. To keh raha hai ki wife agar husband ke upar अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एलिगेशंस लगाती है, केस फाइल करती है, तो केवल एलिगेशंस लगाना हस्बैंड के अगेंस्ट क्रुएलिटी नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर जो भी एलिगेशंस वाइफ ने हस्बैंड या उसके परिवार वालों पर लगाया है अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, उन एलिगेशंस में हस्बैंड और उसके परिवार वालों को दोष मुक्त कर दिया गया है, और इन केस मेंटेनेंस ऑर्डर कोर्ट ने वाइफ के फेवर में पास कर दिया था ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स, राइट। तो ये इंफरेंस कोर्ट ड्रॉ करेगी कि वाइफ एक अच्छे मैरिटल रिलेशंस को निभाना नहीं चाहती थी, और हस्बैंड के लिए ये एक ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स के लिए, हस्बैंड इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है और डिक्री ऑफ डाइवोर्स ले सकता है। क्यों? क्योंकि वाइफ ने फॉल्स एलिगेशंस लगाया था ऑफ सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, और हस्बैंड और उसके फैमिली वाले इन फॉल्स एलिगेशंस में एक्विट कर दिए गए थे कोर्ट के द्वारा। तो ये क्लियरली ये दिखाता है कि वाइफ अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं करना चाहती थी, वो वैवाहिक रिश्ते को नहीं निभाना चाहती थी, राइट। फिजिकल एज वेल एज मेंटल टॉर्चर मे कॉन्स्टिट्यूट द क्रुएलिटी विच इज फीलिंग परसीव्ड बाय वन पार्टी फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ अदर पार्टी। श्रीमती माधवी रमेश दुदानी वर्सेस रमेश कुमार दुदानी, इस केस में कहा गया कि अगर एक स्पाउस का बिहेवियर या उसका कंडक्ट ऐसा है जिससे दूसरे स्पाउस को किसी मैनर में फिजिकल या मेंटल टॉर्चर सहना पड़ रहा है तो इसे क्रुएलिटी माना जाएगा, और क्रुएलिटी को डाइवोर्स का एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड माना जाता है अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 ऑफ दिस एक्ट, ठीक। आगे कह रहा है डिमांड ऑफ सेपरेट एकोमोडेशन बाई वाइफ
while the joint family of husband, his parents and brother have got one room accommodation, cannot be said to cruelty against the husband in viewpoint of present scenario of society, as such husband cannot be granted decree of divorce. आगे कहता है कि डिमांड ऑफ सेपरेट एकोमोडेशन बाय वाइफ वाइल द जॉइंट फैमिली ऑफ हस्बैंड हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव गॉट वन रूम एकोमोडेशन. इन केस हस्बैंड इज हैविंग जॉइंट फैमिली और उसके उस फैमिली में उसकी मदर, उसके फादर, ब्रदर, सिस्टर्स सब कोई ज्वाइंटली रहता है. एंड देयर इज ओनली वन रूम एकोमोडेशन, केवल एक ही रूम है. तो वाइफ का एक सेपरेट रूम डिमांड करना, सेपरेट एकोमोडेशन की मांग करना क्रुएलिटी नहीं माना जाएगा आज के सिनारियों में. और हस्बैंड को इस बात को लेकर के डिक्री ऑफ डाइवोर्स नहीं दी जा सकती है. राइट, इफ वाइफ इज डिमांडिंग अ सेपरेट अकोमोडेशन फॉर हर सेल्फ देन इट इज लीगली जस्टिफाइड. राइट, आगे कहता है कि हस्बैंड कैनॉट टेक द बेनिफिट ऑफ कंपेल्ड सेपरेशन ऑफ वाइफ ड्यूरिंग लिटिगेशन. तो इफ द litigation regarding divorce has been filed in the court and it is under trial, jo litigation hai regarding divorce wo process mein hai, to us dauran agar wife judicially husband se separate reh rahi hai, 2 saal ho gaya hai, and such separation even for period of 2 years cannot be said to contain the required animus desiderandi and husband would not be entitled for decree of divorce. और अगर wife during that litigation period husband से पिछले 2 या 2 से अधिक सालों से judicially अलग रह रही है, क्योंकि जो divorce का petition है it is pending, तो husband इस particular ground पर ये नहीं कह सकता है कि wife का intention था उसे उससे separate रखने का, उसे खुद से अपने आप को अलग रखने का, और इसे ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं माना जाएगा कोर्ट के द्वारा. क्यों? क्योंकि जब कभी भी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ आर लीगली बाउंड टू हैव द जुडिशियली सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर. राइट, आगे कहता है कि परमानेंट अबैंडनिंग ऑफ वन स्पाउस बाय द अदर without any reasonable cause or consent is called desertion. So what is desertion? Desertion means one spouse willingly and without any reasonable cause, without consent of other, deserted herself or himself. Right. तो यहां पे कह रहा है कि continuous action होना चाहिए जो कि ये साबित करता हो कि हस्बैंड अब पूरी तरह से वाइफ को परित्याग कर दिया है, या वाइफ ने हस्बैंड का पूरी तरह से परित्याग कर दिया है. तो डेजर्शन के जो भी एक्शन होने चाहिए वो कंटिन्यूअस इन नेचर होने चाहिए. जो भी कंडक्ट है डेजर्शन का वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. सिंगल एक्ट ऑफ डेजर्शन इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिक्री ऑफ डाइवोर्स. राइट, ये कहा गया है. आगे कह रहा है prolonged pendency of divorce petition for last 7 or 8 years between parties. मान लो पिछले 7 या 8 सालों से divorce की petition जो file कर रखी थी parties ने वो चली आ रही है. And subsequently its conversion into petition by mutual consent. और husband and wife ने आपसी consent से ये decide किया है कि वो दोनों अंडर सेक्शन 13B डाइवोर्स फाइल करेंगे, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल करेंगे. तो एक बात तो ये कि 7 से 8 साल हो गया है और उनके बीच अभी भी
मैरिटल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं और वो दोनों रेडी हैं पिटीशन फाइल करने के लिए अंडर सेक्शन 13B। तो जो कोर्ट है वो फाइनल डिग्री ऑफ डाइवोर्स ग्रांट करने से पहले जो कूलिंग पीरियड दिया जाता है पार्टीज को 6 मंथ्स का, उसे कोर्ट अपने इच्छा से अपने समझ से कम कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी 7 से 8 साल हो गए हैं और अभी भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच पहले की तरह बॉन्डिंग नहीं बनी है, यानी ये क्लियर है कि वो दोनों अब किसी भी हाल में एक साथ नहीं आना चाहते। तो जो कूलिंग पीरियड का टाइम है उसे कोर्ट अपने समझ से अपने डिस्क्रिशन से कम कर सकती है। क्या कहता है? विथड्रॉल ऑफ कंसेंट एट द स्टेज व्हेन जजमेंट इज रिजर्व्ड इन पिटीशन ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सपोज हस्बैंड और वाइफ ने डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का पिटीशन फाइल कर रखा था कोर्ट में और कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिजर्व कर रखा है, यानी अभी फाइनल जजमेंट कोर्ट ने प्रोनाउंस नहीं किया है। तो द टाइम द डेट ऑन विच कोर्ट रिजर्व्स इट्स जजमेंट ऑन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पिटीशन, उस स्टेज पर वाइफ अपने कंसेंट को विथड्रॉ नहीं कर सकती है, राइट? एंड इट इज नॉट परमिसिबल बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 20 रूल 1 ऑफ CPC। क्यों? क्योंकि उसे दो चांसेस दिए गए थे। पहला कि जब वाइफ ने डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का पिटीशन फाइल करा उस दौरान या उस समय पर वो अपने कंसेंट को विथड्रॉ कर सकती थी कि हाँ वो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल नहीं करना चाहती है। और दूसरा, कोर्ट में उसे बार बार अपीयर होने का मौका दिया गया, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज वर ग्रांटेड टू हर, और उस दौरान भी उसने अपने कंसेंट को विथड्रॉ नहीं किया। तो अब वाइफ अपने कंसेंट को इस स्टेज पर जब कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिजर्व कर रखा है विथड्रॉ नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन जो डिग्री ऑफ डाइवोर्स ग्रांट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा उसे इस ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है कि वाइफ का जो कंसेंट था इट वॉज गिवन अंडर फ्रॉड, अंडर फोर्स, अंडर प्रेशर, अंडर थ्रेट, राइट? लास्ट, प्रायर टू पासिंग ऑफ डिग्री ऑफ डाइवोर्स ऑन पिटीशन बाय म्यूचुअल कंसेंट द वेटिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इज मैंडेटरी एंड इट cannot be waived by matrimonial court. Court हर हाल में पूरी कोशिश करती है कि marital relations को बचाया जा सके, वैवाहिक संबंधों को बचाया जा सके। इसलिए court decree of divorce grant करने से पहले husband and wife को sufficient period देती है। इस period के दौरान हो सके अगर तो husband and wife के बीच पहले की तरह जो संबंध है वो फिर से स्थापित हो सके। तो फाइनल डिग्री ऑफ डाइवोर्स ग्रांट करने से पहले कोर्ट आपको 6 मंथ का कूलिंग पीरियड ग्रांट करती है, वेटिंग पीरियड ग्रांट करती है, और ये मैंडेटरी है सभी मैट्रिमोनियल कोर्ट्स के लिए। तो ग्रांट 6 मंथ वेटिंग पीरियड बिफोर पासिंग फाइनल डिग्री ऑफ डाइवोर्स। तो ये था डाइवोर्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जिसे हमने 3 या 4 वीडियोस में कवर किया। अगर आप इन सभी वीडियोस को देखते हो तो डाइवोर्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है विथ ऑल लीडिंग केसेस व्हिच हैव बीन गिवन इन योर बेयर एक्ट, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट? तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने सजेशंस, अपने ओपिनियन इस वीडियो को लेकर के जरूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप नोट्स पाना चाहते हो या आपको कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।